एनसीबी के दफ्तर के लिए घर से रवाना हुई रिया, कुछ देर में पहुंचेंगी ऑफिस। टीम करा सकती है रिया का शोविक और दीपेश से सामना। ब्राजील को पछाड़, दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। 41 लाख के पार संक्रमितों की संख्या, देश में अब तक 70,500 से ज्यादा मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस। रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई विशेष ट्रेनें, 10 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन। प्रदेश को मिली इनमें से 14 ट्रेनों की सौगात। शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया के पिता इंद्रजीत ने जारी किया बयान, का बधाई हो इंडिया, आपने बेटे को गिरफ्तार किया, न्याय के लिए सब सही, अगली गिरफ्तारी मेरी बेटी की होगी। महाराष्ट्र सरकार को और कंगना के बीच तकरार लगातार जारी, अब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की खोली पोल, कहा मुझे अब शब्द कहे, अब कहां है असहिष्णुता पर बहस करने वाले वॉरियर। गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर लिए बड़े फैसले, अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होटल्स में रखने की व्यवस्था, तो मुख्यमंत्री खुद करेंगे जनता से संवाद। 15 सितंबर को विशेषज्ञ चिकित्सक आमजन से होंगे रूबरू। मॉस्को से तेहरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ईरान के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी दौरे की जानकारी, तेहरान में सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी के साथ करेंगे बैठक। सरकारी नौकरियों पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा सरकारी विभागों में भर्तियों पर कोई रोक नहीं, एक दिन पहले जारी हुए सर्कुलर पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल। दुनिया भर में अब तक 2,70,43,000 लोग कोरोना की जद में, इसमें से 8,82,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 1,91,00,000 लोग हुए रिकवर। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने बढ़ाई चिंता, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 41 लाख के पार, वहीं अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर डब्ल्यूएचओ का चिंताजनक बयान, डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस बोले अगले साल के मध्य तक नहीं बनेगी कोरोना वैक्सीन। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 8 मौत, 726 नए केस आए सामने, प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 90,000 के पार। आप बंदरगाहों पर चलेंगे सिर्फ मेक इन इंडिया पोत, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के तहत जहाजरानी मंत्रालय ने देश में नौवहन को बढ़ावा देने के लिए जारी किया आदेश। भीलवाड़ा के बिजौलिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर वैन की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 27 पर आरोली के पास केसरपुरा चौराहे की घटना। कैदियों को पैरोल और फरलो देने के नियम में गृह मंत्रालय ने किया संशोधन, गृह मंत्रालय ने कहा समाज की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनने वाले कैदियों की पैरोल और फरलो पर लगाए जाए रोक। बारा के केलवाड़ा में जांच करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर हमला, कच्ची शराब निर्माताओं ने किया हमला, विभाग के अधिकारी और जवान हुए घायल, केलवाड़ा थाना क्षेत्र के चंदनहेड़ा गांव का मामला। बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड को हुआ एक साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली, कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला को फायरिंग कर लॉकअप से भगा ले गए थे साथी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में नियमों का होगा सरलीकरण, अप्रासंगिक कानून होंगे खत्म, जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन समीक्षा बैठक में मंत्री बी डी कल्ला ने दिए निर्देश, 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। राज्यों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने लगाई लंबी छलांग, 12वें से दूसरे नंबर पर पहुंचा, 9वें से 8वें नंबर पर आया राजस्थान। दुबई से इवैक्यूएशन चार्टर्ड फ्लाइट पहुंची जयपुर, फ्लाइट से 180 प्रवासी राजस्थानी आए जयपुर, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को भेजा जाएगा क्वारंटीन सेंटर। कोरोना महामारी के बीच कल से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा बाबा रामदेव समाधि स्थल, आज समाधि स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा ले सकती है प्रशासनिक टीम, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। झुंझुनू के बिसाऊ में बारिश ने किया प्रशासन को बेनकाब, ग्रामीणों ने गंदे पानी के बीच निकाली शव यात्रा, रिश्तेदार भी कतराने लगे हैं गांव आने से, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बांसवाड़ा के घाटोल में सेल्फी के टक्कर में गई युवक की जान, जगमेरू हिल पर 200 फीट गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत, मृतक सुभाष वैष्णव था भूंगड़ा निवासी, घटना को लेकर थाने में नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। बूंदी में दही खेड़ा की महिला एसएचओ मुकेशी मीणा ट्रैप, अवैध खनन की मंत्री वसूली लेते एसीबी ने दबोचा, 14,000 की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। उदयपुर में ओवरफ्लो हुआ फतेह सागर झील, कलेक्टर की पूजा के बाद खोले गए गेट, उमड़ी शहरवासियों की भीड़ और साथ ही पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम।